बेटी की शादी के बाद शत्रुघ्न को होना पड़ा अस्पताल में भर्ती, तो अब जाकर डिस्चार्ज हुए हैं शॉटगन। हॉस्पिटल से सामने आई सोना के पापा की फोटोज, तो शत्रुघ्न ने अब किस पर कस डाला है तंज, बोले, जो लोग खुश नहीं वो। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को पिछले हफ्ते के आखिर में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था, वो भी तब जब उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने बेटी सोनाक्षी सिन्हा का जहीर इकबाल के साथ कन्यादान किया था, जहां शुरुआत में ये बताया गया कि शत्रुघ्न अपने घर में सोफे से गिर गए थे जिसके चलते उनकी सर्जरी करनी पड़ी। तो वहीं शॉटगन के बेटे लव सिन्हा ने भी उनका हेल्थ अपडेट दिया था। तो अब खुद शत्रुघ्न ने अपनी सेहत की जानकारी लोगों को दे दी है, साथ ही सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर भी एक बार फिर से अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल शत्रुघ्न अब अस्पताल से अपने घर वापस आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया, जिनमें वो पहले के मुकाबले थोड़े कमजोर तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान ये बता रही है कि उनकी सेहत में अब सुधार है। तो एक बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी सर्जरी की सारी खबरों को एकदम गलत बताया। उन्होंने कहा, अरे भाई, मेरी सर्जरी हुई और मुझे खुद नहीं मालूम, मैं सिर्फ रूटीन बॉडी चेकअप के लिए एडमिट हुआ था। मैं उन सभी को ये करने की सलाह दूंगा जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है। मैं बीते 3 महीने से लगातार इलेक्शन कैंपेन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर उसके तुरंत बाद मेरी बेटी की शादी हुई। मेरे शरीर में अब यंग लोगों की तरह एनर्जी नहीं रही है जो 3 शिफ्ट करने के बाद रात को पार्टी भी कर ले। मुझे थोड़ा स्लो होने की जरूरत है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बातचीत में बेटी सोनाक्षी और दामाद जहीर को लेकर भी बात की और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो गई, सब अच्छे से हो गया। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी अब शादीशुदा जिंदगी में खुश है। जो लोग खुश नहीं हैं, उनके लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। शत्रुघ्न की इस बात से साफ जाहिर है कि वो सिर्फ एक रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और इसका उनकी सर्जरी या सोफे से गिरने का कोई लेना देना नहीं था। आपको बता दें कि शॉटगन बेटी की शादी के चंद दिनों बाद ही अस्पताल पहुंच गए थे, जिसने हर किसी के टेंशन को जमकर ग्रैब भी किया था। तो दूसरी ओर सोनाक्षी की बात करें तो 23 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी करने के बाद अब वो अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय कर रही हैं। अपने सोशल मीडिया पर वो लगातार इसकी झलक भी फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। सेल्फीज से लेकर वो तमाम वीडियोस को पोस्ट कर रही हैं, जहां सेलेब्स और फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं, तो कई लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।